नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और निफ्टी की भी हम आज एनालिसिस करेंगे। देखिए, मेरे को ज्यादातर में कई मेल्स मेरे को आई हैं जहां पर मेरे को जो है रिक्वेस्ट की जा रही है कि सर आप निफ्टी की भी एनालिसिस करके बताइए। सो बैंक निफ्टी की चाहे आप बैंकिंग की वीडियो आप मत बनाइए, कोई बात नहीं, बट मेरे को हमको निफ्टी की और बैंक निफ्टी दोनों के एनालिसिस करके बताइए। सो मैं आप लोगों के लिए, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी मैं दोनों की मैं वीडियो बनाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें मेरे को। जैसे मैं बैंक निफ्टी की इंडेक्स की वीडियो बनाता हूँ, साथ ही साथ मैं निफ्टी की भी एनालिसिस करके आप लोगों को बता दिया करूंगा। तो चलिए, आज जैसा कि हमने आज बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त मूव देखा, देखिए फर्स्ट सेशन में हमने नीचे की तरफ मूव देखा और जो है सेकंड सेशन में ऊपर की तरफ मूव देखा। तो मतलब कहने का मतलब ये कि आज एक बहुत, हम कह सकते हैं, इंटरनेट ट्रेडर के लिए एक बहुत इजी मार्केट थी, बहुत आसान मार्केट थी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आज थोड़ा सा भी टफ था मार्केट में या फिर कोई इशू था, बिल्कुल ऐसा इशू कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी मार्केट थी। अगर आप इंटरनेट ट्रेडर हैं तो आपने अच्छे पैसे जरूर बनाए होंगे क्योंकि बहुत क्लियर कट ही आज मूव थी। तो देखिए, यहां पर बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया वो 31,500 का लगाया और जो लगाया वो लो है 31,009 का। तो हम यहां पर कह सकते हैं, हम जो है आज 500 पॉइंट्स के मूव में हम ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ हमने कंटिन्यू यहां पर मूव किया। तो देखिए, मैंने आप लोगों को यहां पर कंटिन्यू, मैं टेलीग्राम चैनल में भी आप लोगों को अपडेट कर रहा था और चार्ट बाय चार्ट कंटिन्यू जैसे कोई पैटर्न बन रहा था वैसे मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में वो चीज पोस्ट कर दे रहा था कि अगर जो है देखिए कि आप भी प्रॉफिट बनाइए। वो मेरा चार्ट पोस्ट करने का मेरा मोटिव यही होता है कि अगर मैं प्रॉफिट बना रहा हूं तो आप भी प्रॉफिट बनाइए। देखिए, प्रॉफिट आप मेरे जेब से लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है ना, प्रॉफिट तो मार्केट से आप लेंगे। सो अगर मेरे चलते अगर चार लोग और प्रॉफिट बनाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिए, आज जो कैंडल बनी हुई है तो फाइनली इसको हम एक हैमर कैंडल कहते हैं। देखिए, इसका मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं। तो फाइनली यहां पर बैंक निफ्टी में जो आज सवेरे के टाइम में इतनी जबरदस्त जो है डाउनफॉल क्यों आया था, देखिए यहां पर हम कभी भी देखेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 दिनों से कंटिन्यू बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही चलते चले जा रहा था। तो यहां पर देखिए, कभी भी मार्केट इस तरह से चल नहीं सकती, कभी भी एक दिशा में एक तरफ रॉकेट की तरह नहीं चल सकती। यहां पर मार्केट को कहीं ना कहीं करेक्शन करना होता है, नीचे आना होता है, प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है। जिसने यहां पर बाय किया होगा उसने अपने, उसको देखिए इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको प्रॉफिट बुकिंग करना होगा। सो मार्केट इस तरह से कभी नहीं चल सकती। सो जैसा एक्सपेक्टेड किया था कि मतलब वो जो एक मैंने आप लोगों को ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ करके दिखाई थी और मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो आप वहां पर कंटिन्यू वहां पर जो सेलर बन सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सो देखिए, अब हम चलते हैं यहां पर 5 मिनट के चार्ट में और 5 मिनट के चार्ट में हम अपने ट्रेड, मैं आप लोगों को ट्रेड अपने समझाऊंगा, एनालिसिस करके बताऊंगा कि हमने जो ट्रेड लिए थे वो फाइनली हमारे किस बेस पर थे। तो फाइनली यहां पर देखिए, ये जो पहला कैंडल यहां पर हमने देखा, ये 5 मिनट का कैंडल है। सो मैंने तो मतलब मैं 1 मिनट और 2 मिनट के चार्ट को मैं फॉलो करता हूं। तो यहां पर अगर आपको मैं एक इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहां पर जो पहले 2 मिनट की कैंडल थी उसने दूसरी कैंडल ने शायद लो ब्रेक कर दिया था, बट यहां पर जो पहले मिनट की कैंडल थी उस कैंडल को देख के हमने यहां पर सेलिंग कर ली थी और फाइनली उस ट्रेड में हमको 1:6 रेशियो का हमको वहां पर प्रॉफिट हुआ था, काफी अच्छा मतलब प्रॉफिट हुआ था। अब उसके बाद देखिए, यहां से मार्केट जब नीचे की तरफ चली तो कंटिन्यू नीचे की तरफ आती चली गई। उसके बाद देखिए, इसके लिए एक ये सपोर्ट लेवल था, ये भी मैंने ड्रॉ करके आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में बताया था। मैंने बताया था कि अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो इसके बाद फिर आप दोबारा सेलिंग के लिए जा सकते हैं। सो यहां पर देखिए, ये लेवल भी ब्रेक हुआ और इसके बाद जो है हम फिर यहां पर कुछ पॉइंट, इसके बाद जो है मार्केट नियर अबाउट 100 पॉइंट के आसपास और नीचे की तरफ गई थी। उसके बाद देखिए, जब ये लेवल एक बार और नीचे की तरफ ब्रेक हुआ था, शायद यहाँ के आसपास, यहां से थोड़ा सा और नीचे की तरफ गया था, तो मैंने आप लोगों को एक चार्ट मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि देखिए मेरा व्यू अभी ऊपर की तरफ का है क्योंकि मैंने आपको वहां पर एक सिंगल एरो बनाकर दिया था और मैंने बताया था कि मेरा व्यू ऊपर की तरफ का है। कहां पर वो चार्ट मैंने दिया था, वो चार्ट ये था, ये चार्ट था वो, तो मैंने आपको इस तरह का चार्ट बना के दिया था और सिंगल एरो मैंने ऊपर की तरफ बनाकर दिया था। फाइनली मेरा नीचे का व्यू नहीं था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी नीचे आ चुकी थी और अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही कहीं घूम रही थी। सो मैंने आप लोगों को एक एरो ऊपर की तरफ बनाकर दिया और फाइनली देखिए उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम मार्केट ने जो अपना लो ब्रेक किया तो चलिए कोई बात नहीं, बट मैंने आपको अगेन मैसेज करके बताया कि आप इस ट्रेंड लाइन का जरूर आप इसको ध्यान रखें, इसको अपने रडार पर रखें, ये ट्रेंड लाइन जरूर ब्रेक होगी और ब्रेक होने के बाद हमको 31,200 की कॉल में एक जबरदस्त हमको मूव मिलने वाली है। देखिए, आपने अगर नई टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे काफी लोग हैं जो मतलब हमारे चार्ट को देखकर जो है भी सीख रहे हैं या फिर ट्रेड को लेने में उनको हेल्प हो रही है। सो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर करिए, देखिए आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल चैनल है, ठीक है। सो मैंने आप लोगों के पब्लिक के लिए बनाया कि आप लोग, अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूं तो आप लोग भी प्रॉफिट करिए। सो मैं वहां पर अपने व्यू अपने कंटिन्यू शेयर करते रहता हूं। सो यहां पर देखिए, अब यहां पर जिन लोगों ने बनाई होगी कॉल, 31,200 कॉल जो मैंने दी थी, यहां
पर बनाई होगी, उम्मीद करता हूं कि उसने आज अपनी ऑप्शन डबल जरूर की होगी। सो यहां पर देखिए, मैं आपको अगर क्लियर कट बताऊं तो देखिए कितना अच्छा हमको यहां पर ट्रेड मिल सकता था। अगर बिल्कुल क्लियर कट देखें तो यहां पर देखिए, ये जो पहली कैंडल है 5 मिनट की, इसने अपना जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। और ये चीज मैंने कल ही आपको बता दी थी कि हम जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम तब तक बुलिश है, और जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देंगे हम बियरिश हो जाएंगे और यहां पर हम सेल का ट्रेड एक्टिव कर लेंगे। सो यहां पर देखिए, यहां पर क्लियर कट आप ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। और उसके बाद अगर दूसरा ट्रेड चाहे तो आप यहां पर ले सकते थे, ये जो ट्रेंड लाइन। देखिए चीजें मैं कंटिन्यू आप लोगों को आधे आधे घंटे पर, एक एक घंटे पर मैं आप लोगों को पोस्ट करते रहता हूं। आधा एक घंटा क्या, मैं तो 10-10 15-15 मिनट पर जो है पोस्ट करते रहता हूं, क्योंकि बिकॉज देखिए हमारी टीम में, तीन से चार लोग हैं जो यहां पर कंटिन्यू ट्रेड डालते रहते हैं। सो मेरे को इश्यू नहीं, मैं तो सिर्फ टेलीग्राम पे बैठा रहता हूं, टेलीग्राम पे या फिर अपने जो भी क्लाइंट से मेरे स्टूडेंट्स का ग्रुप है या फिर जिन्होंने हमारे पास अकाउंट ओपन किया हुआ है वो ग्रुप है, तो उन लोग को कॉल वगैरह देने के लिए मैं देखता रहता हूं, अपनी एनालिसिस करता रहता हूं। सो ट्रेड तो मतलब मेरे को डालने का कोई लोचा नहीं है। सो मेरे जो क्लाइंट जो मेरे साथ में है, मेरे टीम मेंबर हैं, वो ट्रेड डाल दिया करते हैं। तो चलिए यहां पर मैंने आपको बताया कि देखिए पहला ट्रेड इतना आसानी से हमको मिल सकता था, दूसरे ट्रेड के लिए भी मैंने आपको क्लू वहां पर दे ही दिया था। सो अगर आप यहां पर चाहें तो मार्केट में से बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हैं, मार्केट से पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। सो अगर आपको इंट्राडे टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी, इंट्राडे टेक्निक सीखिए या खुद से प्रैक्टिस करिए, मुझसे सीखिए, किसी और से सीखिए, किसी से भी सीखिए, बट सीख कर ट्रेडिंग करिए। विदाउट सीखिए अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सीखने के बाद ट्रेडिंग करिए, किसी से भी मर्जी सीखिए, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए सिखाने के लिए। अब यहां पर देखिए, अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अब मैं आप लोगों को, मैं देखिए ये लेवल मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर यहां पर मार्केट हमको मिलती है तो आप यहां पर क्लियर कट बाइंग के लिए जा सकते हैं। गैप फिल होने का इंतजार मत करिएगा, अगर गैप फिल होने का इंतजार करेंगे तो आप जो है बाइंग के ट्रेड से रह जाएंगे। अब मैंने यहां पर 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है और 15 मिनट के चार्ट में मैं आपको समझाता हूं कि हमको किस तरह से ट्रेड करना है। अब देखिए, ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पास, जो 31,350 के आसपास का लेवल है, ये देखिए मैंने कल भी आपको बताया था, 31,350 का लेवल जो है ये हमारे लिए एक सेलिंग का लेवल है। सो यहां पर थोड़ा अलर्ट रहिएगा, यहां से मे बी कल बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे की तरफ आकर ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकती है। फाइनली अगर मैंने बताऊं तो मैंने जो है मतलब कुछ कॉल की मैंने पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है ना, वो मैंने समझ लीजिए रिस्क लिया है। मान लीजिए मैंने अगर प्रॉफिट 1,000 रुपीज किया है तो उसमें से 250 रुपीज के मैंने रिस्क ले लिया, मतलब मैंने 25% का रिस्क लिया। चाहे मैंने प्रॉफिट 1 लाख किया हो, चाहे 10 लाख किया हो, मैंने 25% का मतलब मैंने वहां पर रिस्क ले लिया है। देखेंगे कल जो भी होगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरह की मूव है वो मूव जो है काफी अच्छी मेरे को दिख रही है। सो इसलिए रिस्क तो लेना बनता है, रिस्क है तो रिस्क है। तो चलिए, वो तो आपने फिल्म देखी होगी शायद। चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे कि जब तक हम 31,350 के लेवल को नहीं निकालते तब तक हम इंट्राडे में ऊपर की तरफ जाने वाले नहीं है। 31,350 का लेवल हम यहां पर जैसे ही निकालेंगे, हम यहां पर जो है 31,500 के आसपास का लेवल देखेंगे, ठीक है। और 31,500 के आसपास यहां पर ध्यान रखिएगा, ये एक आपका जो है डबल टॉप की तरह यहां पर वर्क कर सकता है। जब भी आपको इस लेवल के आसपास मिले तो यहां पर थोड़ी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, चाहे यहां से मार्केट 50 पॉइंट नीचे आए, चाहे यहां से मार्केट 100 पॉइंट नीचे आए, यहां से एक बार हल्का से नीचे आने के बाद अगेन फिर जो है इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। अब दूसरा देखिए, हम यहां पर सेलिंग के लिए कब एक्टिव होंगे, मैं यहां पर आपको 5 मिनट का चार्ट लगाकर आपको मैं समझाने की अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, मैंने यहां पर जो है एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी है। अब ये ट्रेंड लाइन जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फाइनली देखिए, आज ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब जो इसके पास जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट ये देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूं, इसी सपोर्ट के आसपास खड़ा है। अब मे भी देखिए, कल यहां पर मार्केट अगर साइडवेज ओपन होती है या फ्लैट ओपन होती है तो इस रेंज में रहने के बाद, ये ध्यान से देख लीजिए, ये शायद ये कल यही होने वाला है। इस रेंज में रहने के बाद ऊपर नीचे करने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो आपने बायर बन जाना है, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर दे तो आपने सेलर बन जाना है। दूसरे केस में देखिए क्या हो सकता है, दूसरे केस में मे भी यहां पर मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है। मेरे 99% चांस यही है कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो सकती है। सो मैंने कॉल में आज पोजिशन बनाई है, यहां पर मार्केट कल गैप अप ओपन होने के पूरे पूरे चांस है। अभी मैं डाटा एनालिसिस करूंगा, डाटा को देखूंगा, उसके बाद मेरे को वहां पर कंफर्मेशन होगी। सो मैंने 3 बजे डाटा को मैंने चेक किया था, तो डाटा के हिसाब से यहां पर जो है बैंक निफ्टी बुलिश ही दिख रहा था। सो मैंने वहां पर अपनी पोजीशन बनाई है। तो यहां से देखिए, अगर गैप अप ओपन होता है और इसके आसपास मिलता है तो आप यहां पर सेल कर सकते हैं। यहां पर छोटे सेलिंग में अगर आपने जाना है तो छोटे के लिए जाना है, छोटे प्रॉफिट के लिए जाना है, और बाइंग में जाना है तो यहां पर आप बड़े प्रॉफिट के लिए बैठ सकते हैं। दूसरा, आप सेलिंग कहां कर सकते हैं, ये लेवल ब्रेक होने के बाद, ये जो यहां पर हमारे पास एक रेंज दिख रही है, ये लेवल ब्रेक होने के बाद गैप अप होता है तो आप यहां पर 50 से 100 पॉइंट सेलिंग के लिए देखेंगे। यहां पर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो बायर, नीचे की तरफ ब्रेक करे तो हम सेलर बनेंगे। मार्केट मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी वास्ते अगर यहां पर गैप डाउन ओपन हो जाती है और आपको इस लेवल के आसपास मिलती है तो आप यहां से बाइंग कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको बैंक निफ्टी की वीडियो पसंद आई होगी।
होगी। चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी में, तो अब हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, निफ्टी में आज जो है किस तरह से ट्रेड हुआ। तो फाइनली यहां पर देखिए ये जो कैंडल हम यहां पर देख रहे हैं, तो यहां पर हमको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप की यहां पर कैंडल दिख रही है। तो यहां पर एक लेवल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था और ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने के बाद ये देखिए कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही ट्रेड करता हुआ चले जा रहा है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल हमने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई थी, अगर ये ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 पांच छह दिनों से कंटिन्यू ऊपर की तरफ मार्केट थी। देखिए मार्केट इस तरह से चल ही नहीं सकती, अगर आप यहां पर भी ध्यान देंगे तो 3 से 4 दिन ऊपर की तरफ जाएगा फिर एक छोट प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। सो मार्केट इस तरह से चल ही नहीं सकती, इसलिए यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आई। मे बी मार्केट कल एक और कैंडल बड़ी बनाने के बाद नीचे की तरफ आए। सो यहां पर देखिए अभी आपको अलर्ट होकर काम करना है निफ्टी में। निफ्टी वैसे बैंक निफ्टी से ज्यादा बुलिश मेरे को यहां पर दिख रही है, क्योंकि यहां पर देखिए निफ्टी नीचे की तरफ आई थी, फाइनली बायर्स ने इसको जो है धकेल कर देखिए फिर ऊपर की तरफ ले गए। मैं इसको 15 मिनट के चार्ट में आपको लेकर चलूंगा और 15 मिनट के चार्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर देखिए मैं क्या आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए यहां पर जो 15 मिनट की कैंडल है, फाइनली देखिए ये भी सवेरे इसमें काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई थी और मार्केट के नीचे की तरफ आई और फाइनली देखिए यहां पर जो सपोर्ट था इस सपोर्ट से देखिए बाउंस बैक हुआ। अभी सपोर्ट देखिए क्या है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए बड़े लॉजिक के साथ देखिए तो आपको यहां पर दिखाई देगा, यहां पर ये जो लो बना हुआ है ये हमारा फर्स्ट बॉटम है और यहां पर जो दूसरा हमको लो मिला ये हमारा सेकंड बॉटम है। तो हमारे पास यहां पर दो बॉटम हो गए, दो बॉटम के बाद देखिए हमको यहां पर एक इनसाइड कैंडल आप कह सकते हैं, तो नहीं सॉरी इसको हम यहां पर एक बुलिश हरामी कैंडल हम यहां पर इसको कहेंगे, बुलिश हरामी कैंडल मिली और बुलिश हरामी कैंडल ने सपोर्ट के आसपास जो है अपना काम कर दिया, ठीक है। तो यहां पर भी अगर आप चाहे यहां बहुत भी सिंपल ट्रेड यहां पर मिले। देखिए निफ्टी में आज हमने कोई ट्रेड नहीं किया, मैं आपको वैसे ही बोलूं निफ्टी में हमने आज कोई ट्रेड नहीं बनाया, बिकॉज बैंक निफ्टी में ही आज हमको काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया और शायद मैं कल ट्रेड ना करूं, क्योंकि देखिए मेरी एक आदत है, मेरी एक हैबिट है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट होने के बाद मैं नेक्स्ट डे ट्रेडिंग नहीं करता हूं। बिकॉज आज जो है मतलब एक मार्केट इतनी चली, इसकी वजह से आज जो है जो प्रॉफिट हमारा हफ्ते का टारगेट होता है वो प्रॉफिट आज मेरे को सिंगल उससे ज्यादा ही प्रॉफिट आज एक सिंगल डे में हो गया है। सो शायद कल मैं ट्रेड ना करूं, एक तो मैंने पोजीशन लेके रख ली है, अगर वो पोजीशन नेगेटिव में जाती है तो शायद मैं ट्रेड करूं, अगर नेगेटिव में नहीं जाती है पॉजिटिव में जाती है मेरी तरफ जाती है तो मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। तो चलिए यहां पर भी देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से पैसे यहां पर बना सकते थे, यहां पर भी कोई बिल्कुल बहुत आराम तरीके से यहां पर पैसे बन सकता था, कोई यहां पर मुश्किल नहीं था। अगर मान लीजिए आपको ऊपर की तरफ से ये मूव समझ में नहीं आई थी, देखिए मैं यहां पर भी बिल्कुल सेम वही हुआ था जो चीज मैं आपको निफ्टी में बैंक निफ्टी में बताई थी। तो यहां पर भी देखिए यहां पर ये लेवल ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद देखिए कुछ ऊपर गया, उसके बाद फाइनली जो है नीचे की तरफ आया। मान लीजिए यहां पर ट्रेड ना ले सके तो यहां पर आप ले सकते थे, ये देखिए जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ। चलिए ले सकने वाली नहीं ले सकनी ये तो अपने नॉलेज के ऊपर होता है, आप जितना सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। सीखना चाहते हैं तो जरूर सीखिए, हमारे पास आइए किसी के पास जाइए, पर सीखिए जरूर, विदाउट सीखे ट्रेडिंग मत करिए। अब देखिए मैं यहां पर 15 मिनट यहां पर चार्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कल आप जो है किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर ये ट्रेंड लाइन देखिए, यहां देखिए जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी में दिखाया कि बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी और अपने सपोर्ट के आसपास है, बट निफ्टी में अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है ना। सो यहां पर निफ्टी ज्यादा बुलिश दिख रही है। 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, 15 मिनट के चार्ट में जो है यहां पर हम इसकी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे अब, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए इसके लिए जो हर्डल था, ये एक हर्डल है, इसका एक रेजिस्टेंस है, इसको हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस है, हर्डल है, जो भी है, ठीक है ना। ये हमारा 13,980 के आसपास का हमारा ये लेवल था, ठीक है ना, जो हमने आज सवेरे गिरावट देखी, तो इसी के आसपास हम आज आके क्लोज हुए हैं। अब कल अगर देखिए हम 13,980 के ऊपर निकलकर ट्रेड करने लग जाते हैं, 13,980 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 13,900 के ऊपर के हम क्लोजिंग दे देते हैं तो हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ हम यहां पर रहेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन कल ब्रेक होती है तो मे बी यहां पर आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। पहला टारगेट आपका ये देखिए 13,950 के आसपास होना चाहिए, मीन्स यहां से 30 पॉइंट। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो हमारा अगला टारगेट यहां पर होगा 13,900 का। और यहां पर देखिए अगर हम ऊपर की तरफ हम ब्रेक होते हैं, ऊपर की तरफ हम गैप अप ओपन होते हैं, तो हमको एक कम से कम 5 मिनट की कैंडल देखनी है। 5 मिनट की कैंडल अगर पूरी हरी भरी बहुत अच्छे से मतलब वहां पर कोई विक ना बनी हो, उसके बाद हम उसका लो का हम स्टॉप लॉस रख के हम ऊपर की तरफ बाइंग के लिए जा सकते हैं। अब इस ट्रेंड लाइन पर नजर बना के रखिएगा, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मे बी पहला लेवल ये 13,950 के लेवल को टेस्ट कर सकती है, ठीक है। और मे बी उसके बाद यहां पर देखिए क्या हो सकता है, मैं आपको लॉजिक से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यहां पर ध्यान से यहां पर दिखाई दे रहा होगा तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था
पहले मैं इसको मैं छोटा करता हूं। देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जाए उससे अच्छा और क्या है। अब ये देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद अब देखिए ये सपोर्ट बना, सपोर्ट से फिर बाउंस बैक हुआ। मे भी कल दोबारा यहां पर आकर 13,950 के लेवल पर आकर दोबारा बाउंस बैक हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही गैप अप ओपन होना चाहिए, मगर अगर ऐसा होता है कि वो गैप अप ओपन होने के बाद भी अगर मान लीजिए मार्केट यहां पर आती है निफ्टी 13,950 के लेवल के आसपास, तो यहां से एक दोबारा एक जो है बाउंस बैक यहां से हो सकता है। तो ये लेवल ध्यान में रखिएगा, ये लेवल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल अगर ब्रेक होगा तब हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। 13,950 का लेवल हम ऊपर के लिए भी देखेंगे सपोर्ट के लिए, और अगर 13,950 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हम उस पर भी नजर बना रखेंगे। चलिए अब हम जो है स्टॉक्स में चलते हैं, बैंकिंग स्टॉक्स में, जो भी स्टॉक्स हमारे ट्रेड करते हैं उसके हम एनालिसिस करते हैं। तो हमारा देखिए जो पहला हमारा स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक देखिए अपने हर्डल के आसपास है, जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है मैंने आपको बताया था 637, 640 का लेवल, जब तक क्रॉस नहीं होता हम यहां पर बाइंग करने वाले नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक को भी देखिए यहां पर जो मैंने बताया था आपको 420 का लेवल, जब तक 420 का लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक बाइंग के लिए मत देखिए। अगर मे भी यहां पर कल अगर 400 का लेवल, 400 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो हम यहां पर 390 के लेवल कल देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक मैंने देखिए यहीं से आपको बता रहा हूं कि देखिए अब ये सपोर्ट लेने की परफेक्ट जगह है, यहां से बाउंस बैक करेगा। फाइनली देखिए यहां से बाउंस बैक किया, और यहां पर जो कैंडल यहां पर दर्शा रही है ये देखिए इंडिकेट यहां पर कर रही है कि अगर ये 1450 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहां पर बैंक एचडीएफसी में एक बहुत बड़ी मूव बाकी है। सो इस मूव के लिए तैयार रहिएगा, मे बी ये लेवल ब्रेक हो सकता है या यहां से एक अगेन दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लेवल ब्रेक होगा तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, अदरवाइज यहां पर अभी बाइंग के लिए मत देखिए। मे बी शायद यहां से नीचे की तरफ आ सकता है सपोर्ट को दोबारा टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक देखिए यहां से कंटिन्यू सपोर्ट लेने के बाद देखिए यहां पर ये जो लेवल था, जो यहां पर आपको दिख रहा है इनसाइड कैंडल, तो ये एक लेवल एक परफेक्ट जगह थी बाउंस बैक के लिए। अगर यहां से बाउंस बैक नहीं होता तो ये 810 का लेवल ब्रेक होने के बाद सीधी ट्रेंड लाइन के पास आकर ये रुकता। सो यहां से देखिए फाइनली जो परफेक्ट लेवल होता है वो लेवल काम कर ही जाते हैं। तो परफेक्ट लेवल के आसपास यहां से बाउंस बैक हुआ और कंटिन्यू ऊपर की तरफ। अभी हम देखिए कहां तक जा सकते हैं, हम यहां पर 970 के आसपास तक जा सकते हैं। सो इंडसइंड बैंक में भी नजर बनाकर रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक। तो फाइनली कोटक बैंक भी देखिए ऊपर की तरफ भी छोटी छोटी कैंडले बनाकर ऊपर की तरफ चलते चले जा रहा है। अभी मैं यहां पर बिल्कुल बाय नहीं करूंगा, मैं बाय कब करूंगा, एक बार ये रीटेस्ट हो इस ट्रेंड लाइन के आसपास में आए। देखिए यहां पर देखिए यहां पर हायर हाई बना है, हायर लो, यहां से इस ट्रेंड लाइन के पास से बाउंस बैक हुआ है, फिर हायर हाई बना, फिर हायर लो, फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास बाउंस बैक हुआ, फिर हायर हाई देखिए ऊपर की तरफ बना। अब एक बार फिर ये रीटेस्ट होकर नीचे की तरफ आए तो मैं यहां पर पोजीशन के लिए बनाने के लिए सोचूंगा, अदरवाइज अभी मैं इसमें इंट्राडे के लिए कोई मेरा व्यू नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक के लिए देखिए अभी यहां पर मैंने बताया था कि जैसे 237 का लेवल क्रॉस होगा तो हमारा टारगेट यहां पर 245 का है। तो कल भी अगर 237 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप 245 रुपए के टारगेट के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखिए मैंने आपको यहां पर बताया था 280 के ऊपर, 280 के ऊपर निकलेगा तभी हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर ये कल एक्सपायरी डे है तो कल अगर ये 280 का लेवल यहां पर क्रॉस करता है तो यहां पर बाइंग कर सकते हैं। देखिए कल एक्सपायरी डे भी है और मेरे हिसाब से आज जो एक बड़ी मूव हो चुकी है, कल शायद मार्केट साइडवेज हो जाए या कुछ भी हो जाए, चलिए जो भी हो तो हम कल देखेंगे, बट जो है बहुत संभल के ट्रेडिंग करिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके ट्रेडिंग करिए। देखिए अगर जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेंगे तब तक यहां से आप पैसे बना के लेके जाने वाले नहीं है। आप मैं आपको जो है एक पेपर पे भी लिख के दे सकता हूं। सो देखिए अपने रूल फॉलो करिए, अपने डिसिप्लिन फॉलो करिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए। विदाउट रूल, विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट कोई भी यहां से पैसे नहीं बना सकता, इवन मैं भी नहीं, इवन कोई बहुत बड़ा ट्रेडर भी नहीं, इवन आप समझ लीजिए एक मार्केट का किंग बैठा होगा वो भी नहीं पैसे बना सकता अगर वो इन चीजों को फॉलो नहीं करता है। सो इन चीजों को फॉलो करिए, अपने रूल बनाइए, अपने डिसिप्लिन बनाइए, अपना एक लॉस जो है अपना प्री डिसाइडेड कर लीजिए कि मैं इस एक दिन में इससे ज्यादा लॉस नहीं लूंगा, ठीक है ना। सो ये चीजें जो है आपको सीखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। प्रॉफिट जैसे आपको होता है तो वहां पर कुछ प्रॉफिट लॉक कर लीजिए, उसके बाद उसको ट्रेल करते रहिए। प्रॉफिट लॉक करना सबसे जरूरी है, अगर प्रॉफिट आप लॉक नहीं करते हैं तो मे बी वहां से कहीं मान लीजिए डाउनफॉल आ गया या अपवार्ड हो गया तो वहां से आपको एक लॉस का सामना करना पड़ सकता है। सो ये चीजें फॉलो करिए, ठीक है। अगर आप ज्यादा सीखना चाहते हैं तो आप जो है हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9878137600 पर व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में क्वारी ले सकते हैं। सेकंड देखिए अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एंजल ब्रोकिंग के, एलआईएस ब्लू में, किसी में आप अकाउंट ओपन करने के बाद हमारे इंट्राडे ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहां पर हम ऑप्शन की कॉल देते हैं। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।